दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं और वो वीडियो है इनामिन रिएक्शन। देखिए इनामिन रिएक्शन इनोलेट वाले चैप्टर में से आती है। जो भी लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अभी थर्ड ईयर में आए हैं, उन सभी के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनामिन को एक नाम और भी है, वो है स्टॉक इनामिन। इनामिन कह लें या आप क्या कहें, स्टॉक इनामिन कहें, एक ही बात है। देखिए इनामिन जो होता है वो मैं यहां लिख देता हूं, इनामिन जो है वो है इन प्लस एमीन। किससे मिलके बना हुआ है? इन प्लस एमीन से मिलके बना है इनामिन। ऐसा इन प्लस एमीन इक्वल टू इनामिन होता है। अब देखिए इनामिन जो है उसमें क्या क्या दो वर्ड आ गए, एक वर्ड क्या आ गया एमीन आया और एक वर्ड क्या आया इन आया। मतलब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा, इन मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, और एमीन भी होगा चाहे वो 2 डिग्री हो या 3 डिग्री एमीन हो, इसी कहा जाता है इनामिन। अब देखो इनामिन का यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको हम लोग, इसका यूज है एल्काइलेशन, हिंदी में कहा गया एल्किलीकरण। सेकंड यूज है एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, हिंदी में कहते हैं एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, बात आ गई, या एसाइलेशन। देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कि फॉर्मेशन ऑफ इनामिन, इनामिन बनाने की विधि। मैंने पिछले वीडियो में 1,3-diethyne पढ़ाया था, तो जिन जिन लोगों ने 1,3-diethyne वाला वीडियो नहीं मिला वो वीडियो देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके और उनका भी थोड़ा सा इसमें बेनिफिट हो, वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले, ठीक है। देखिए तो अब मैं आगे चलता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इनामिन, इनामिन बनाने की विधि, फॉर्मेशन ऑफ इनामिन हिंदी में आएगा इनामिन बनाने की विधि। इनामिन बनाने की विधि, फॉर्मेशन ऑफ इनामिन, इनामिन बनाने की विधि। जो कैसे बनाएंगे इनामिन को, सबसे पहले आप क्या करें, कोई भी एक एमीन ले लें, चाहे साइक्लिक एमीन लो चाहे ए साइक्लिक एमीन ले लें, कोई भी एक एमीन ले लिया। मैंने एक एमीन ले ली, 5 मेंबर की रिंग में नाइट्रोजन लगाया, ये एक एमीन है। इसके साथ मैंने क्या करा, कोई भी एक कीटोन ले लें, चाहे साइक्लिक कीटोन लें चाहे ए साइक्लिक कीटोन लें, तो मैंने यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग में कीटोन लिखा, इसका नाम है साइक्लो पेंटेनॉन। कीटोन कहते हैं पेंटेनॉन, ऑन लगता है कीटोन के लिए, क्या लगता है ऑन, तो 5 मेंबर की रिंग थी तो साइक्लिक है, क्या लगाएंगे साइक्लो पेंटेनॉन, बन गया यहां तक। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा, एमीन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा और ऊपर क्या जाएगा, माइनस जाएगा, और दोनों रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। क्या जुड़ेगी, देखो ये नाइट्रोजन का 5 मेंबर, इसके ऊपर एक एच आ गया एच, नीचे देखो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा, तो नाइट्रोजन को जोड़ा मैंने 5 मेंबर रिंग के कार्बन से, जोड़ दिया, ओ पर क्या गया माइनस, ये आ गया ओ पर माइनस, आ गया माइनस। अब नाइट्रोजन के 4 वैलेंसी तो क्या बनाएंगे, प्लस बनाया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहां से एच प्लस बाहर निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि जब नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाती है तो उसका लोन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और उस कंडीशन में नाइट्रोजन के पे प्लस चार्ज लगता है। अब मैं यहां से निकाल रहा हूं एच प्लस, जैसे ही एच प्लस निकलेगा तो वो एच प्लस कहां जाएगा, वो जाएगा ओ नेगेटिव के ऊपर, कहां जाएगा
ओ नेगेटिव के ऊपर, तो यहां से हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए नाइट्रोजन को और एच प्लस के रूप में बाहर निकला और वह एच प्लस खा जा रहा है ओ के ऊपर और क्या बनाएंगे ओ एच। तो ये मैंने फाइव मेंबर की रिंग बना दी, यहां ले लिया नाइट्रोजन, यहां फिर फाइव मेंबर की रिंग, अगली बात समझ में। और देखो यहां पर आ गया ओ के ऊपर एच, आ गया ओ एच। अब क्या करेंगे, ये ओ एच जो है ये इसके पास वाले कार्बन का एक एच और यहां से ओ एच निकालेगा, माइनस एच टू ओ बाहर निकलेगा और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन कंपाउंड कहलाएगा इनामीन। ऐसे डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बना तो ये तो आ गया इन डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप कौन सा, मैं नाइट्रोजन लगाता हूं ब्लैक पेन से, देखिए ये आ गया एमीन, तो ये कहलाएगा इनामीन। क्या कहलाएगा इनामीन। अब यहां पर कर दें बेस, बेस की प्रेजेंस में यहां गर्म कर लें माइनस एस टू बार। अब फटाफट इसकी लैंग्वेज लिखें फिर हम इसका आगे काम करते हैं। लिखिए लैंग्वेज लिखिए, व्हेन साइक्लिक एमीन रिएक्ट विथ, व्हेन साइक्लिक और एसाइक्लिक कर देना, व्हेन साइक्लिक और एसाइक्लिक एमीन रिएक्ट विथ, व्हेन साइक्लिक और एसाइक्लिक एमीन रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ साइक्लिक और एसाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्ट विथ साइक्लिक और एसाइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड, इट गिव इनामीन प्रोडक्ट। देखिए हिंदी में देखेगा, जब वलयाकार एमीन, जब वलयाकार या रेखीय एमीन, जब वलयाकार या रेखीय एमीन दूसरे वलयाकार या रेखीय कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करती है, दूसरे वलयाकार या रेखीय कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया करती है तो इनामीन का निर्माण होता है, तो इनामीन का निर्माण होता है। क्लियर है। अब देखो उसका यूज, यूज क्या है, पहला यूज, फर्स्ट यूज लिख रहा हूं मैं एल्काइलेशन, एल्काइलेशन करना है एल्किलीकरण, हिंदी में कहते हैं एल्किलीकरण, क्या कहते हैं एल्काइलेशन को कहते हैं हिंदी में एल्किलीकरण। देखो एल्किलीकरण एल्काइलेशन बड़ा आसान है, आप क्या करें कि ये फाइव मेंबर की रिंग बना लें, मैं देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पहले यहाँ मैं नाइट्रोजन लिखा फाइव मेंबर की रिंग के साथ, यहाँ फाइव मेंबर रिंग के साथ मैंने कीटोन लिखा और तीर के ऊपर लिखा मैंने फर्स्ट बेस, कौन सी रिएक्शन है ये वाली ऑब्लिक गर्म, यहाँ तक पहुँच गया। सेकंड लिखा मैंने वह ग्रुप लगाया जिसका एल्काइलेशन हमें करना है, तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन करी CH3 CH2 Cl क्लोरोएथेन के साथ। इसके बाद थर्ड मैंने यहां पर क्या किया, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। तीन स्टेप हैं, पहले में बेस और वो इनामीन बनाने की विधि, दूसरे में एल्काइलेशन और तीसरे में क्या आएगा जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। देखिए अब प्रोडक्ट बनाना है डायरेक्ट, सर डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की विधि बड़ी आसान है। सबसे पहले जो कीटोन दिया हुआ है ना वो कीटोन जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, लिख दिया। अब उसकी अल्फा पोजीशन, जो अल्फा पोजीशन, देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपकी, जो ये अल्फा पोजीशन है इसके ऊपर जो एच है उस एच को और इस सी एल को बाहर निकाल दो, एस सी एल बाहर निकल जाएगा और बचा हुआ ग्रुप इसकी अल्फा पोजीशन पे ले जा करके जोड़ दो, क्या हो जाएगा देखो सी एस टू एंड सी एस, ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है। देखो अब मैं इसका मैकेनिज्म बनाता हूँ कि सर मैकेनिज्म कैसे होगा, देखिएगा सबसे फर्स्ट मैंने क्या करा, ये एमीन ले लिया प्लस ये फाइव मेंबर की रिंग ले ली कीटोन की, है ना, एमीन प्लस फाइव मेंबर की रिंग, यहाँ क्या आ गया बेस, बेस और साथ में क्या किया मैंने गर्म, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ बेस और साथ में मैंने क्या किया गर्म किया, तो ये पूरा मैकेनिज्म आ गया यहाँ तक का आ गया। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं इनामीन फॉर्मेशन, इनामीन फॉर्मेशन। तो कौन सी स्टेप आई है इनामीन फॉर्मेशन, तो यहां मैंने क्या किया
इनामिन फॉर्मेशन के लिए यहां पर मैंने बनाया इनामिन ऐसे एन, ये फाइव मेंबर की रिंग और ये नाइट्रोजन और ये इसका लोन पे आ गया यहां तक इनामिन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या सर एल्काइलेशन करना है, तो कैसे करेंगे CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl। अब क्या होगा देखो, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर, बात समझना मेरी, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले इस कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके बाद ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा CH2 पर और यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, माइनस Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। देखो मैं इसको मिटा देता हूं आपके लिए, अब रह गया हो पीछे का तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको देख लेना, है ना। देखिए तो यहां तक आ गया, अब क्या बनाएंगे, देखो ये फाइव मेंबर की रिंग बिल्कुल सही है सर, ये फाइव मेंबर की नीचे वाली रिंग ये भी सही है, डबल बॉन्ड कहाँ आया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, आ गया डबल बॉन्ड। इस कार्बन का टेक हुआ CH2 पे, तो यहाँ लिखा मैंने CH2, उसके बाद CH3 और Cl नेगेटिव, तो बाहर निकल गया। अब देखिए नाइट्रोजन के चार वैलेंसी हो गई, तो क्या लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे, तो मैंने यहाँ लगाया प्लस चार्ज लगाया। तो ये कौन सी स्टेप हुई, ये स्टेप हुई मेरे पास एल्काइलेशन हो गया। तो पहली स्टेप क्या हुई, इनामिन फॉर्मेशन, दूसरी स्टेप क्या हुई एल्काइलेशन, थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में यहां ऊपर लिख देता हूं और वो लिखा मैंने हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। क्या होगा हाइड्रोलाइसिस, देखो H2O के साथ मैंने रिएक्शन कराई, H2O क्या करेगा हाइड्रोलाइसिस करेगा, बहुत ही आसान सा है, देखिएगा यहां से सी डबल बॉन्ड N जो है उसके दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एक साथ दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, और नाइट्रोजन पे लगेंगे दो H मतलब H2 और कार्बन पे लगेगा O, नाइट्रोजन पे H2 और कार्बन पे क्या लगेगा O लगेगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सर फाइव मेंबर की रिंग, बड़ा आसान है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ और यहां पर CH2 एंड CH3 आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल, एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, हर एक चीज बताऊंगा आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ें, आराम से नोट्स बनाएं और आराम से एग्जाम दें, है ना। ऐसा नहीं है कि कोविड के चक्कर में थोड़ा टेंशन में होता है बच्चा कि कोरोना चल रहा है सर, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं है वो नहीं, अब आराम से पेपर तैयारी करें और आराम से पेपर दें। देखिए यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या आएगा प्लस साथ में क्या बनाएंगे, साथ में बनाएंगे ये फाइव मेंबर की रिंग, नाइट्रोजन यहाँ पर एक एच और यहाँ पर एक एच, मैं नाइट्रोजन को क्या करता हूँ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ये रहा ये नाइट्रोजन आ गया नाइट्रोजन के चार वैलेंसी मतलब एक प्लस, तो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन हो गया, तो क्या हो जाएगा एथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, क्या हो जाएगा एथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये है आपके पास स्टोक इनामिन का एल्काइलेशन वाला पोर्शन, अब मैं एसिटाइलेशन वाला काम करूंगा, है ना, इसको फटाफट उसको उतार लीजिए ताकि मैं इसमें क्या करूंगा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि मैं आगे अब इसका करता हूं मैं एसिटाइलेशन वाला रिएक्शन, तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखिए अब मैं कर रहा हूं एसिटाइलेशन वाला प्रोडक्ट, एल्काइलेशन हो गया, अब इसके लिए लैंग्वेज लिख लें एल्काइलेशन के लिए, पहले लिखिए एल्काइलेशन की लैंग्वेज लिखेगा, जब इनामिन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ H2O की उपस्थिति में कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ H2O की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्किलीकरण और जल अपघटन
अभिक्रिया से एल्किलीकरण और जल अपघटन अभिक्रिया से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, इसे एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, इसे इनामीन का एल्किलीकरण कहते हैं, इसे इनामीन का एल्किलीकरण कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। देखिए जैसे एल्किलीकरण का था वैसे एसिटिलीकरण होगा। अब की बार मैं एमीन चेंज कर देता हूं, जरूरी नहीं है आप हमेशा 5 मेंबर के लें, मैंने अब की बार यहां पर 6 मेंबर का एमीन ले लिया और साथ में मैंने अब क्या किया 6 मेंबर का कीटोन ले लिया, डबल बॉन्डो। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखूंगा और यहां एग्जाम्पल नंबर 4 लिख दूंगा ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहां लिखा सबसे फर्स्ट बेस के साथ इसको गर्म किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिया कि सर जिसका एल्काइलेशन जिसका एसिटाइलेशन कराना है वो लिख देता हूं, तो मैंने लिखा है पर CH3COCl। और थर्ड स्टेप मैंने क्या करी यहां पर हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन हो गया। अब देखो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की विधि मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। देखो जो लोग MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने का टाइम कम मिलता है, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना उसका आना जरूरी है, वरना उसके बगैर आप रिएक्शन में आप वीक हो जाएंगे और आपका जो कहते हैं ना बेसिक केमिस्ट्री जिसको अपन कहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, है ना। तो देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। मैंने क्या किया 6 मेंबर की रिंग बनाई, जैसा कीटोन था वैसा का वैसा बना दो, कीटोन 6 मेंबर का था बना दिया। अब आपने किसका अटैक कराया है, हमने कराया CH3COCl, तो Cl को बाहर निकाल दें और जो भी ग्रुप बच जाए वो इसकी अल्फा पोजीशन पे ले जा करके ऐड कर दें, जोड़ दें, मैकेनिज्म वही बनेगा जो पीछे मैंने पढ़ाया, ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और मैं क्या करता हूं अब की बार, सर 6 मेंबर का एमीन ले लूं, जरूरी नहीं हर बार सेम रखूं मैं। अब सर मैं 5 मेंबर का कीटोन ले लूं तो तब भी रिएक्शन हो जाएगी। मैंने कहा कोई भी साइक्लिक या ए साइक्लिक कीटोन ले लें, कोई भी ए साइक्लिक या साइक्लिक एमीन ले लें, उन दोनों की साथ में रिएक्शन करा दें और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा फिर इनामीन, है ना। ये हो गया थर्ड नंबर H2O के साथ रिएक्शन। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें बड़ा आसान करना है, कीटोन का जो अल्फा पोजीशन है अभी पढ़ाया मैंने उसको हटा दो, वहां से हटाया, यहां से Cl हटाया, बाकी दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, तो देखो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, इस पोजिशन पे क्या आएगा अब CO, उसके बाद CH, यहां पर CH3 एक और यहां पर CH3 दूसरा आ गया। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल, जरूरी नहीं आप हर बार एमीन ले, आप फॉर्मेलिन टाइप का कंपाउंड या फॉर्मेनोन वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं या कुछ और भी आप चाहें तो ले सकते हैं। यहां मैंने ऑक्सीजन लगा दिया और यहां मैंने क्या लगा दिया एच लगा दिया, लगा दिया। अब यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार आप कीटोन ही लें, वो भी बिना सब्स्टिट्यूट वाला, आप सब्स्टिट्यूटेड कीटोन भी ले सकते हो। तो मैंने अब की बार क्या किया, मैंने किया 6 मेंबर की रिंग बना, चलो 5 बना लेता हूं, 5 मेंबर की रिंग में ओ लिखा और यहां लगा दिया एक आर। आर मतलब क्या हो गया सब्स्टिट्यूट, आप आर ना लगाएं क्योंकि बीएससी वाले बच्चे आर को ज्यादा समझते नहीं है, तो मैंने यहां पर CH3 लगा दिया। आर का मतलब कोई सब्स्टिट्यूट होता है, CH3 एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल जो आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। अब देखिए अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने बनाया रिएक्शन, एक यहां पर वही वाली बात बेस लिया गर्म किया, दूसरा एसिटाइलेशन लिया, तीसरा हाइड्रोलाइसिस किया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक चीज और करता हूं, पास वाला जो कार्बन है उसके ऊपर CH3 लगाया, दो एच होते ना, एक एच हटा करके CH3 लगाया, दूसरा एच हटा करके मैंने आर लगा दिया, दो सब्स्टिट्यूट लगा दिए।
ठीक है। अब इस पास वाले कार्बन पर, इस वाले की बात हो रही है, इस कार्बन पर कोई भी अल्फा वाला कार्बन जो है उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन इस साइड तो अब्सेंट है और इस साइड प्रेजेंट है ना, अल्फा एच, अल्फा एच जिसको कहते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जिस साइड अल्फा एच है उस साइड आपको ले जा करके जोड़ना है, यहां पर सी एच थ्री और यहां पर एक आर आ गया। आर यहां क्या बनाएंगे, सी एच थ्री सी ओ सी एल, तो यहां आ जाएगा अब क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री, ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखो जब भी आपके पास एग्जाम्स आता है तैयारी अच्छे से करनी होती है ना, प्रोडक्ट अच्छे से याद करके घर से जाएं, वहाँ सोचे नहीं क्योंकि टाइम कम मिलता है, पेपर हो नहीं पाता है ना। तो मैंने आज आपको पढ़ाया इनामीन। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और वो भी सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।